हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीएमएमएस पोर्टल जो है जीटीयू का, उसमें आप कैसे पीपीआर रिपोर्ट अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, उसके बाद आपका ईजीली लॉगिन हो जाएगा पोर्टल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूज़र आईडी डाला और पासवर्ड डाला और ये कैप्चा कोड यहाँ पे मैंने एंटर किया है। इसके बाद ये जीटीयू के पोर्टल पे मेरे को ले जाएगा पीएमएमएस पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट सेक्शन में आपको जाना है, उसके अंदर जाना है आपको चेक एक्टिविटी स्टेटस पे। और ये मैं पहली बार पीपीआर अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट में जाऊँगा चेक एक्टिविटी, उसके बाद आता है पीपीआर दैट इज़ पीरियडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि हर 15-20 दिन में आपको अपना प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू सबमिट पीपीआर इन 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट सबमिट 4th पीपीआर अंटिल यू सबमिट 1st पीपीआर 2nd पीपीआर एंड 3rd पीपीआर। अगर आपने एक भी सबमिट नहीं किया होगा पीपीआर तो इधर आपको ऐसा विंडो शो करेगा। फिर इसके आगे आपको क्या करना है, ऐड न्यू पीरियडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो इसके बाद यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो सबसे पहले लिखा है व्हाट प्रोग्रेस यू हैव मेड इन द प्रोजेक्ट। तो सपोज़ यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ दैट कि हमने यहाँ पे 15 डेज का प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है ये 15 डेज में, तो हम लिख सकते हैं कि वी है, जल्दी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी हैव रेड रिसर्च पेपर एज ए बैकग्राउंड स्टडी। ओके, तो यहाँ पे आपने अगर रिसर्च पेपर पढ़ा हो, जैसे कि आपको पता होगा प्रोजेक्ट के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च पेपर, तो आपने रिसर्च पेपर पढ़ा तो वी हैव रीड द रिसर्च पेपर एज अ बैकग्राउंड स्टडी, ऐसा आपको लिखना है। यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपने जो काम किया हो वो लिखना है आपको, मतलब आपने बेसिकली क्या काम किया है उस 15 डेज के ड्यूरेशन में वो आपको लिखना है। देन व्हाट चैलेंज यू हैव फेस्ड, तो आपको क्या दिक्कत आई। तो लेट्स से मुझे दिक्कत आई कि रिसर्च पेपर कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाउ टू फाइंड रिसर्च पेपर। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत ही इजीली आपको आंसर देना है, आपने जो जो किया है प्रोजेक्ट में वही आपको लिखना है। व्हाट सपोर्ट यू नीड, यानी आपने एक्सटर्नल, यानी आपके जो इंटरनल गाइड है या एक्सटर्नल गाइड है उनसे आपने क्या सपोर्ट लिया या फिर क्या आपको हेल्प ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे चैलेंज आपको जो आया था वही आप लिख सकते हैं कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए था। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ भी डाल सकता हूँ, आपको कुछ अलग लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं, बट जो चैलेंज आई है वही मैं क्लियर करने अपने इंटरनल गाइड से पूछने गया था। तो उसमें आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड रिसर्च पेपर, तो यहाँ पे मैं अलग लिख देता हाउ टू सर्च रिसर्च पेपर। ओके, सो विच लिटरेचर यू हैव रेफर्ड, तो उसके लिए आपने कौन सा, जैसे कि रिसर्च पेपर आपने पढ़ा था, या तो फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं रिसर्च पेपर का। सो सपोज मैंने पढ़ा था कोसिम्युलेशन, यहाँ पे आप लिख देंगे रिसर्च पेपर है, तो पहले आप लिख देंगे रिसर्च पेपर, फिर कॉलन करके रिसर्च पेपर का आप नाम भी लिख सकते हैं कोसिम्युलेशन ऑफ ऑटोमेटिक लर्न। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि को सिम्युलेशन ऑफ ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक का स्पेलिंग गलत है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लॉन मूवर ऐसा आपने लिख दिया। और इसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे, आपको अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं कि आपने रिसर्च पेपर कौन सा पढ़ा है, तो आप यहाँ पे एज ए PDF उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे JPG, GIF, XLS, XLXS, आप कुछ भी फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई आपको फाइल चूज़ करना हो तो। बट ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो टोटल आपको ये पहले के 4 क्वेश्चन का जो है आंसर देना होगा, एंड देन नेक्स्ट सेव और सबमिट। तो आप अगर श्योर हो तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं, वरना सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कोई चेंजेस फ्यूचर में करने हो तो। हैव टू सेव फॉर फर्दर अपडेशन। ओके, सो आपका जो है वो सेव हो चुका है और आप सबमिट उसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट PPR आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आप, फर्स्ट PPR सेव्ड। ओके, अटैचमेंट एक्शन आप एडिट कर सकते हैं, और कमेंट बाय इंटरनल गाइड। इंटरनल गाइड को अगर कुछ कमेंट देना हो तो आपको दे सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और GTU के ऐसे ही कुछ भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।